नमस्कार भाइयों, आज हम लेके आए हैं आइसर 548 पावर स्टेयरिंग, जिस पर हमारा लोडर लगा हुआ है, ट्रैक्टर लोडर अरुण एग्रो इंडस्ट्री विदिशा। इस लोडर की ये जो बकेट दी गई है, ये 5.5 फीट लंबी है, 2 फीट गहरी है और 2.5 फीट चौड़ी है। इसमें ये ब्लेड लगाई गई है जो कि 12 mm मोटी है, और ये इसमें सिलेंडर दिए गए हैं। 30 mm की हार्ड पिन है, इसमें ग्रीस के लिए पॉइंट दिए गए हैं। इसमें 2020 मॉडल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, विदिशा MP। ये चिचिस दिया गया है इसमें, आगे से पीछे तक कसा गया है ट्रैक्टर को, और इसमें दी गई है पॉली हॉस कंपनी की हॉस पाइप। अब हम आते हैं कंट्रोल वॉल पे, तो ये दिया गया है वेल वॉल का कंट्रोल वॉल, जॉयस्टिक कंट्रोल वॉल है ये वेल वॉल का। जॉयस्टिक का मतलब होता है एक ही स्टिक से आपके चारों सिलेंडर काम करेंगे। इसमें पीछे दिया गया है रिवर्सिबल प्लाउ, प्लाउ की जगह आप काउंटर वेट भी ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करता है। ये लोडर इसके ट्रैक्टर के पंप से अटैच है, जो स्पीड मिलेगी वो ट्रैक्टर के पंप से मिलेगी। अगर आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा पंप भी लगवा सकते हैं, जिससे आपका लोडर हाई स्पीड देगा, काम फास्ट करेगा। अभी आप मान के चलें ये 50 से 60 ट्रॉली पर डे भरेगा, तो वो जो लोडर रहेगा वो 120 ट्रॉली भरेगा पर डे, इसकी दुगनी स्पीड हो जाती है उसमें। हम देखेंगे रिवर्सिबल प्लाउ किस तरीके से पलटता है।